Assalamu alaikum, 8th class. How are you? Today we are going to start a new topic which is heredity. बच्चों आपने नोटिस किया होगा कि यूजली हम अपने पेरेंट्स के जैसे नज़र आते हैं या जो हमारे ट्रेट्स हैं whether they are हेयर कलर या आई कलर है या इंटेलिजेंस है या हाइट है वो हमारे यूजली क्या होते हैं पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं ठीक है। और हमने ये भी नोटिस किया कि हमारे बहन भाइयों से भी बहुत सारे ट्रेट्स मिलते जुलते होते हैं। तो ये जो बेसिकली ऑफ स्प्रिंग्स यानी कि जो बेबीज़ हैं दे लुक लाइक देयर पेरेंट्स, दिस इज़ बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं, दे पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सो सच ट्रांसमिशन ऑफ पासिंग ऑफ सच ट्रेट्स एंड कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज़ नोन एज हेरिडिटी। अब वो क्या ट्रेट्स हैं, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया वो आपका कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, वो आपकी आई कलर हो सकता है, वो आपकी हेयर ग्रोथ हो सकती है, हेयर कलर हो सकता है, उसके अलावा हाइट हो सकती है। एंड वन मोर थिंग, आपने नोटिस किया होगा ईयर लोब्स कभी वो अटैच्ड होते हैं कभी वो सेपरेट होते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो अ हेरिडिटी कैरेक्टर। अच्छा, ये क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन होते हैं, सही। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल पेरेंट्स हम टोटली पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं कर रहे होते, हम उनसे मुख्तलिफ भी नज़र आ रहे होते। कभी ऐसा भी होता है कि वो ज़्यादा हाइटेड हो लेकिन हमारी हाइट कम हो, या उनकी हाइट कम हो हमारी थोड़ी ज़्यादा हो। ये भी हो सकता है कि आई कलर चेंज हो, कॉम्प्लेक्शन चेंज हो। तो ये जो बेसिकली चेंज आता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ वेरिएशन, जो डिफरेंस क्रिएट हो गया अमंग डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स, वेदर पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग्स, वेदर सिबलिंग्स, वेदर ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ग्रैंड पेरेंट्स, ये सारी क्या हैं, जो डिफरेंसेस हैं, दीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। और ये वेरिएशंस क्या करती हैं, ये हमें अडेप्टिव बनाती हैं इन्वायरमेंट के साथ। अडेप्टिव इज़ बेसिकली कि हम सक्सेसफुली कोप अप कर सकें इन्वायरमेंट के साथ, उसके लिए वेरिएशन ज़रूरी होती हैं। और ये वेरिएशंस क्या आती हैं, हमारे जीन्स के अंदर। अच्छा, अब आपको एक्टिविटी नज़र आ रही होगी 2.1, कंपेयरिंग हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने क्या करना है, इस एक्टिविटी को सॉल्व करना है, और फिर आपने ये जो एक्टिविटी 2.1 के क्वेश्चंस हैं ये आंसर करने हैं। आपने देखना है, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है एक कैरेक्टरिस्टिक हेयर स्ट्रेट और कर्ली, आपने अपने लिखने हैं कि आपके बाल स्ट्रेट हैं, आपके फादर के कैसे हैं, आपके मदर के कैसे हैं, आपके सिबलिंग्स के कैसे हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के कैसे हैं, ठीक है। ये सारा कुछ आपने उसमें नोटिस करना है, और ये सारा टेबल आपने फिल करके देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस व्हिच आर रिटन इन एक्टिविटी 2.1 बॉक्स ऑन पेज नंबर 23। ऑलराइट। अच्छा, अब ये हेरिडिटी होती क्यों है? हेरिडिटी होती है बिकॉज ऑफ जीन्स। जीन्स क्या हैं? जीन्स आर बेसिकली द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। जीन्स में वो इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट होती हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करती हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रेट है हाइट का, तो अब वो हाइट कैसी होगी, टॉल होगा शॉर्ट होगा, उसका एक जीन प्रेजेंट होता है, सही। तो वो जीन डिटरमिन करेगा कि आपकी हाइट टॉल है शॉर्ट है, सही है। इसी तरह से आई कलर का जीन होगा, वेदर आपकी जो आइज़ हैं वो ब्राउन हैं, ब्लैक हैं, ब्लू हैं, ग्रीन हैं, इट विल बी डिटरमिन बाय अ जीन। सो जीन इज़ बेसिकली इंस्ट्रक्शन दैट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, मतलब वो एक इंस्ट्रक्शन है जो प्रोटीन बनाने के लिए आपको यूज़फुल है। और जीन्स याद रखिएगा हमेशा पेयर्स में होते हैं, जैसे कि टॉलनेस का जीन है या हाइट का जीन है, इट विल बी प्रेजेंट इन अ पेयर। फॉर एग्जांपल इफ़ वी रिप्रेजेंट द जीन ऑफ टॉलनेस विद कैपिटल टी, तो वो एक टी नहीं होगा, वो कैपिटल डबल टी होंगे, या वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, या वो स्मॉल टी होगा, मतलब दे विल बी प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पेयर्स। पेयर्स किस फॉर्म में क्यों होते हैं, क्योंकि जीन आपको पता है एक फादर से आएगा और एक मदर से आएगा, तो इसका मतलब वो हमेशा पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, सही। अच्छा, जीन्स बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। जीन्स आर द पार्ट ऑफ डीएनए, आर द सेक्शंस ऑफ डीएनए दैट आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। आपको पता है क्रोमोसोम क्या होता है, दैट इज़ प्रेजेंट इन अ सेल। तो जो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है वो बेसिकली इन द सेक्शंस या इन द पोर्शंस ऑफ जीन्स प्रेजेंट होता है, सही। इसीलिए हम डीएनए को कहते हैं कि ये हेरिडिटी मटेरियल है, कि ये जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है। तो वो क्यों इंफॉर्मेशन पास करता है डीएनए, बिकॉज उसके ऊपर बहुत सारे जीन्स लोकेटेड हैं, उन जीन्स के अंदर इंस्ट्रक्शंस जो है वो कोड हुई हुई होती हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। तो वो प्रोटीन्स कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में, वो डिटरमिन करेगा कि आपके ट्रेट्स कैसे होंगे।
नाउ कम टू फिगर 2.3, वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम के ऊपर हमारे जीन्स प्रेजेंट हैं, तो वो जो क्रोमोसोम है वो क्या चीज़ है, आपको दो स्ट्रैंड्स नज़र आ रहे होंगे। इनको जो दो स्ट्रैंड्स हैं इनको कहते हैं क्रोमेटिड्स, एक राइट साइड पे एक लेफ़्ट साइड पे। और जो क्रोमेटिड्स हैं वो जुड़े हुए हैं दोनों सेंटर में, एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। सेंट्रोमियर वो पोर्शन है, वो पार्ट है जिस पे दो क्रोमेटिड्स जुड़े हुए हैं। क्रोमेटिड्स क्या है, दीज आर द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। सो एक क्रोमोसोम की यूजुअली दो आर्म्स होती हैं और वो दोनों आर्म्स एक पॉइंट पे अटैच हुई हुई होती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। सही, तो ये जो क्रोमोसोम है ये कहाँ प्रेजेंट है, बेसिकली ये डीएनए बना रहा है और डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट है, जीन। सो सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है और डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट है, जीन। सो सबसे छोटा यूनिट क्या हो गया, जीन। जीन्स कंबाइन करके डीएनए बनाएंगे, डीएनए कंबाइन करके क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो ये बेसिकली पूरा रिलेशनशिप है। अच्छा, अब आपको पता है बॉडी में दो तरह के सेल होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक सेल्स और एक होते हैं गैमीट्स। सोमैटिक सेल्स हैं जनरल बॉडी सेल्स अदर देन सेक्स सेल्स, इनके जो स्पर्म्स और एग्स हैं उनको हम कहते हैं गैमीट्स, और उसके अलावा जितने सेल हैं बॉडी में उनको हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स। जो सोमैटिक सेल्स हैं या जो बॉडी सेल्स हैं वो हमेशा पेयर्स के फॉर्म में रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं और वो 23 के पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट हैं, लेकिन जो गैमीट्स और स्पर्म्स होते हैं दे वो क्या होते हैं, उनके पास एक दे आर द वन मेंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर, यानी कि वो पेयर के फॉर्म में नहीं होते, वो जस्ट सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्पर्म्स और एग्स जब जुड़ते हैं तो जायगोट बनता है, एक इंडिविजुअल बनता है। तो 23 जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्पर्म्स में से आएंगे, 23 क्रोमोसोम एग्स में से आएंगे, दोनों जुड़ के जब एक ऑफस्प्रिंग बनाएंगे तो अगेन 46 क्रोमोसोम्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स। इसी तरह से आपको बताया हुआ है कि जो मंकी है उसके अंदर 48 क्रोमोसोम्स हैं, जो कैट है उसके अंदर 30 क्रोमोसोम्स हैं, पी के अंदर 14 क्रोमोसोम्स हैं। तो इस तरह जो क्रोमोसोम नंबर है वो डिफरेंट होता है। अच्छा, ऑल राइट किड्स, नाउ यू कैन सी अ मिनी एक्सरसाइज ओवर हेयर। मिनी एक्सरसाइज में क्या है, एक फ्लाई है जिसका नाम है ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर, फ्रूट फ्लाई है, उसके फीमेल और मेल्स के क्रोमोसोम्स आपको दिखाए हुए हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चंस को आंसर करना है एंड लेट मी नो कि आपको ये समझ आई है कि नहीं। दिस एक्सरसाइज विल बी डन बाई यू। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आएगी तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। अब डीएनए बेसिकली दिखता कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, वो हमें दो साइंटिस्ट ने बताया था, जिसका नाम, एक का नाम था वॉटसन, एक का नाम था क्रिक। उन्होंने एक मॉडल दिया डीएनए का विच इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ डीएनए। उसमें उन्होंने कहा कि डीएनए बेसिकली न्यूक्लियोटाइड से बनता है। जो मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड का या जो यूनिट है डीएनए का, जो बहुत सारे, आपको पता है हमारी बॉडी कैसे बनी हुई है, डिफरेंट सेल्स जुड़े हैं और हमारी बॉडी बनी है, इस तरह से हर चीज़ का एक यूनिट होता है जो यूनिट्स ज्वाइन करके एक बड़ी चीज़ बनाते हैं। तो जो डीएनए है उसका यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर वैसे तीन चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता देती हूँ वो तीन चीज़ें क्या हैं। एक न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से मिलके बनता है, एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, एक होती है शुगर और एक होती है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अब जो फॉस्फेट है और जो शुगर है वो सब में सेम रहती है, लेकिन जो नाइट्रोजनस बेस है वो वेरी करती रहती है। अब कितनी टाइप की नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। डीएनए के अंदर ये चार नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होती हैं, ये चार नाइट्रोजनस बेसिस डिफर करती हैं, इसलिए चार तरह के न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। मैंने क्या बताया, न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, एक होती है शुगर एंड द थर्ड वन इज़ नाइट्रोजनस बेस। फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर इज़ कॉमन अमंग ऑल टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जो डिफरेंस क्रिएट होता है इट इज़ ऑन द बेस ऑफ नाइट्रोजनस बेस। फोर टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस आर प्रेजेंट विच इज़ एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ठीक है, तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स चार तरह के हैं।
अब वॉटसन एंड क्रिक ने क्या कहा कि जो डीएनए है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स यानी कि दो स्ट्रैंड्स हैं और वो दोनों हेलिक्स की फॉर्म में अरेंज हुए हुए हैं। सही, क्या है, दो स्ट्रैंड्स हैं अलग अलग एंड दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। अब एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से लिंक कैसे करता है, हर स्ट्रैंड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, स्ट्रैंड ए के ऊपर भी और स्ट्रैंड बी के ऊपर भी। जो ए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं दे आर कनेक्टेड टू द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ अदर, वो बीच में बॉन्ड बनाते हैं। आपको कलरफुल बीच में न्यूक्लियोटाइड्स नज़र आ रहे होंगे, दो येलो स्ट्रैंड्स नज़र आ रहे हैं और बीच में दो कलरफुल न्यूक्लियोटाइड्स नज़र आ रहे हैं। वो क्या है, बेसिकली जो एक स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो दूसरे स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड्स बनाते हैं। इस तरह ये दोनों स्ट्रैंड इकट्ठे लिंक्ड रहते हैं। तो ये जो लैडर लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको पूरी एक दो तरफ बाउंड्रीज नज़र आ रही हैं और बीच में स्टेयर्स नज़र आ रही हैं, तो इस मॉडल को किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने, विच इज़ नाउ द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ डीएनए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन द होमवर्क होम टास्क इज़ दैट यू हैव टू ड्रॉ द मॉडल ऑफ डीएनए अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक इन योर नीट नोटबुक्स, राइट। Love is...